सब्सक्राइब कीजिए SR Time YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकॉन को ताकि आपको हमारे एक्सक्लूसिव वीडियो मिल सके सबसे पहले। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी चुनावी तैयारी में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इसके मद्देनजर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक लेटर जारी कर प्रदेश और जिले के सभी कांग्रेस पदाधिकारियों, वर्तमान विधायकों एवं टिकट के दावेदारों की सोशल मीडिया पर सक्रियता अनिवार्य करने का निर्देश दिया है। कमेटी ने यह निर्णय आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन के पूर्व दावेदारों की सोशल मीडिया में सक्रियता का आकलन करने के लिए लिया है। सोशल मीडिया पर सक्रियता के आकलन के लिए निम्न आधार तय किए गए हैं, जिसे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट होना अनिवार्य है। साथ ही व्हाट्सएप पर सक्रिय होना भी अनिवार्य है। फेसबुक पेज पर 15,000 लाइक्स, ट्विटर पर 5,000 फॉलोअर होना अनिवार्य है। सभी के पास बूथ स्तर तक के लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप बने होना भी अनिवार्य है। साथ ही नेताओं को मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर व फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, ट्वीट को रीट्वीट करना भी अनिवार्य है। वहीं जब इंदौर के विधानसभा क्षेत्रों से आगामी विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी चयन के पूर्व दावेदारों की सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला गया तो पता चला कि कई ऐसे दावेदार हैं जो फेसबुक पर सक्रिय तो हैं लेकिन ट्विटर पर नहीं है। इनमें कांग्रेस नेता संजय शुक्ला, विशाल अग्निहोत्री, कमलेश खंडेलवाल, चिंटू चौकसे, मोहन सेंगर, दीपक जोशी, शैलेश गर्ग, सुरजीत चड्ढा, अमन बजाज, विशाल पटेल समेत अन्य कई नेता हैं, जबकि जीतू पटवारी और सत्यनारायण पटेल के फेसबुक और ट्विटर पर अच्छे फॉलोअर हैं। वहीं अश्विन जोशी, पंकज संघवी और छोटे यादव ऐसे नेता हैं जो सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं हैं।